खबर जयपुर से है, जहां लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा निरस्त। आपको बताते चले, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने आदेश जारी किए हैं। पेपर लीक होने पर बोर्ड ने ये परीक्षा निरस्त की है। बोर्ड की बैठक में परीक्षा निरस्त का ये फैसला लिया गया। परीक्षा की नई तिथि जल्द घोषित की जाएगी। 29 दिसंबर को आयोजित हुई थी ये भर्ती परीक्षा और परीक्षा से पहले ही ये पेपर आउट हो गया था। और इसी खबर पर और अधिक जानकारी देने के लिए A1 संवाददाता लोकेश ओला फोनलाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। लोकेश, बताएं क्या जानकारी मिल रही है आपको? जी देखिए, बताना चाह रहा हूँ, 29 दिसंबर को लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा हुई थी। 700 पदों पर आयोजित थी इस भर्ती परीक्षा में। जयपुर पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है, जो पेपर लीक करने वाले लोगों का खुलासा किया। उस मामले के बाद में अब बोर्ड ने भी पेपर लीक मामले को सच मानते हुए पेपर को निरस्त कर दिया गया और अब जल्दी इस भर्ती परीक्षा का दोबारा से आयोजन किया जाएगा। ये मामला पहली बार नहीं हुआ, इस बार पहले कई बार मामले आ चुके हैं पेपर लीक के, और लेकिन इस बार जयपुर पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए पेपर लीक प्रकरण में एक मुख्य रूप से जो माना जाए तो एक मदर्स कोचिंग संचालक के निदेशक और इन सबको लोकेश, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आपको फिर से बता दें, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने आदेश जारी किए हैं, लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा निरस्त कर दी गई है।